SGNceptions. I'm at India's biggest and best pet store. This is Drogo Pets, located at Powai in Mumbai. Before proceeding forward, I would like to wish you all a very happy new year. आप सभी को नए साल की ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ. और ये हमारा नया साल का 2022 का सबसे पहला वीडियो है. कुछ अलग सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं. तो अब हमारे साथ है Drogo Pets के ओनर और डायरेक्टर, यहाँ पे है मिस्टर शायान अशरफ. हाय शायान सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड, गुड टू सी यू. थैंक्स अ लॉट. फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर. एंड न्यू ईयर की शुरुआत सर हम Drogo Pets से कर रहे हैं. Drogo Pets का वीडियो सबसे पहला वीडियो है हमारे चैनल पर 2022 का, 2022 का. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत सारे अलग अलग पेट्स के ऊपर वीडियोस हम देखेंगे इस साल में. तो साल की शुरुआत कैसे होने वाली है सर? आपके तरफ से एक धमाकेदार ऑफ़र है किक स्टार्ट करने के लिए न्यू ईयर को हमारे सारे हॉबीस्ट के लिए. सो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, फर्स्टली वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एस जे. वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द हॉबीस्ट. मे दिस ईयर ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेट कीपर. हम लोग अच्छी तरह से इसको स्टार्ट करें. यू नो, अगर हम लोग अपने पेट्स में कुछ इग्नोर कर रहे हैं कि कुछ उसको एडिशनल फैसिलिटी देनी थी लेकिन सोच रहे थे कुछ टाइम बाद देंगे, तो नाउ इज़ द टाइम. लेट्स टेक दैट रेजोल्यूशन कि यू नो वी ट्राई बेटर टू कीप देम हैप्पी. तो वो कोशिश रहेगी और पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव नोट पे इसको स्टार्ट करें, मज़ा आएगा. धमाकेदार ऑफ़र तो मैं नहीं कह सकता बिकॉज जितना हम लोग टेक्निकली अफोर्ड कर सकते हैं उतना हम लोग ट्राई करते हैं प्रमोट करना. बट वुड लाइक टू गिव एन ऑफ़र ऑफ 10% ऑफ फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ न्यू ईयर. तो 10th January तक ऑल द हॉबीज विल गेट फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल लाइफ स्टॉक, एवरीथिंग. तो जो हम लोग जितना मैक्स कर सकते हैं, व्हाट वी कैन अफोर्ड, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हॉबीज आगे आएँ एंड इसको पॉजिटिव वे में सबको सॉल्यूशंस मिल सके. सो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. तो इस वक्त हम हैं Drogo Pets के कैटरी सेक्शन में. यहाँ पे आप देखिए बड़ी प्यारी प्यारी कैट्स हैं. एक बंगाल कैट है, दूसरी पर्शियन कैट है. बड़ी एक्टिव है, सेट है और बड़ी फुर्तीले भी है. तो सर इस वीडियो में आपको एक मैसेज देना है टू ऑल आर लवली हॉबीस्ट. तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू. मतलब मैं जितनी बार भी थैंक यू बोलूँ कम ही है. आई एम रियली रियली मूव्ड बाय द रिस्पॉन्स. मैंने ये एक्चुअली प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था, वी ऑल थॉट ऑफ इट जस्ट एज अ पैशन प्रोजेक्ट कि कुछ एक मैसेज पहुंचा सके, एनी चेंज दैट वी कैन ब्रिंग अबाउट इन दिस इंडस्ट्री इन अ बेटर वे कि पेट्स को अच्छे तरह से हाउस किया जाए, अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा रहना, अच्छे टॉयज, एक्सेसरीज, यू नो एवरीथिंग दैट द एनिमल नीड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपैशन एंड लव. तो ये थोड़ा हमें ये चेंजेस करने थे. लेकिन जैसे जैसे हम लोग वीडियोज़ करते गए, बढ़ते गए, सबसे जुड़ते गए, कनेक्ट होते गए, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी. इतने कम टाइम में इतने लोग ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट हो गए एंड वी आर हेल्पिंग सम पेट इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री ऑलवेज. तो मतलब हमेशा किसी ना किसी पेट की हम लोग मदद करना चाह रहे हैं. यू नो, सम ओनर हैज़ एनी डिफिकल्टी, तो वो मदद, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट फॉर एवरी वन एंड इट्स वर्किंग आउट वेरी वेल. वी आर वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी फॉर्चुनेट. वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू. मैं हॉबीज से एक और चीज़ कहना चाहता था एक्चुअली, कि मैंने कुछ नोटिस किया है कि यू नो व्हेन आई विजिट अदर स्टोर्स, कुछ बहुत सारे मैं पेट स्टोर्स जाता रहता हूँ, आई एम अ हॉबीज. तो बहुत बार ऐसे यू नो सम स्टोर्स जो मैं जाता हूँ, जो थोड़े छोटे स्टोर्स हैं, लेकिन वहाँ पे मैं जो ऑब्ज़र्व करता हूँ कि काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी हॉबीज आते हैं जो यू नो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं टू द शॉप स्टाफ या शॉप ओनर कि इतने में देना है तो दो, ये वो, मतलब जो देयर इज नो रिस्पेक्ट फैक्टर. तो वो मैं आई वांटेड टू ब्रिंग अक्रॉस कि ये न्यू ईयर यू नो हम सब थोड़ा रिस्पेक्ट दें टू ऑल द शॉपकीपर्स. कोई भी शॉप यू नो आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. साइज डजंट मैटर, छोटी शॉप हो या बड़ी शॉप, कंपैशन मैटर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स. तो बहुत शॉपकीपर्स
दिन रात एक करते हैं टू कीप द एनिमल्स हैप्पी, कीप देम हेल्दी, उनको प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाइए एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट दैट. उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा टू गाइड यू बेटर. आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपके जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, तो वो दे कैन गाइड यू बेटर. लेकिन उसके लिए पहले यू नो यू नीड टू गिव देम समथिंग टू गेट समथिंग. थोड़ा सा आप रिस्पेक्टफुली उनसे बात कीजिए, जस्ट बिकॉज उनकी अगर छोटी शॉप है या यू नो वॉट एवर, तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. बी रिस्पेक्टफुल, बहुत मेहनत लगती है एंड शॉपकीपर्स अपने कैपेसिटी के हिसाब से हमेशा बेस्ट ट्राई करते रहते हैं एनिमल्स को देना. सो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द शॉपकीपर्स एंड आई जस्ट होप सारे हॉबीज ये यू नो दे सी दिस कि ये प्रोफेशन इज़ नॉट ईजी. ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है कि सामान रख दिया और उधर ही, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको थ्राइव कराने के लिए, खुश रखने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं. सो इतने मल्टीपल स्पीसीज होते हैं तो बहुत बहुत मेहनत लगती है. कभी स्टाफ मेंबर्स मेहनत करते हैं, कभी उनकी खुद की फैमिली लगी होती है. सो प्लीज़ थोड़ा उनको रिस्पेक्ट दीजिए, टॉक टू देम प्रॉपरली, दे विल गाइड यू प्रॉपरली, वो हमेशा आपकी मदद करना चाहेंगे. तो शयान सर, आपने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया हमारे सारे हॉबीस्ट को. तो क्योंकि आपने हमारे हॉबीस्ट को मैसेज दिया है, तो मैं चाहूँगा कि क्या आप एक मैसेज हमारे सारे हार्डवर्किंग शॉप ओनर्स को भी देना चाहेंगे? क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी शॉप ओनर ने अपने कम्युनिटी के शॉप ओनर्स को मैसेज दिया है, कुछ कहा है. तो मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा होगा. और हमारे सारे शॉप ओनर्स, सेलर्स, ब्रीडर्स बड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप सर? जी, तो देखिए, मैं ये तीनों कैटेगरी में फॉल करता हूँ. बेसिकली आई एम अ हॉबीस्ट, आई एम अ शॉपकीपर, आई एम अ ब्रीडर, होलसेलर. आई फॉल टेक्निकली इन टू ऑल थ्री कैटेगरीज. एंड सबसे पहले तो मैं बाकी शॉपकीपर्स, मेरे जो ब्रदर्स हैं इन आर्म्स, उनसे कहना चाहता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर. एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ किस लेवल पे सब लोग ये यू नो दे द इम्प्रूवमेंट रेट इज़ सो गुड. सब लोग अभी धीरे धीरे यू नो बेटर वे में पेट्स को हाउस कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं. यू कैन सी ऑल द चेंजेस डेफिनेटली. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे यू नो आई सी कि बहुत लोग अपना इंटीरियर्स चेंज कर रहे हैं, सब चेंज कर रहे हैं. दैट इज़ ग्रेट, दैट्स फिनोमिनल एंड दैट्स वॉट यू नो वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू. लेकिन जो मेन फोकस है वो उस पर जो एनिमल्स हैं उनके वेलबींग, उनके एनक्लोजर की फैसिलिटीज़ उससे स्टार्ट करें और बाद में थोड़ा डेकोरेशन और ये सब पे ध्यान दें तो आई थिंक बेटर रहेगा. उनके एनक्लोजर में बाय दैट आई मीन जैसे जिसको जो सबस्ट्रेट लगता है, जो जिस टाइप की एक्सेसरीज लगती है, यूवीबी लाइट्स लगते हैं या पूप स्टैंड लगता है, या बेसिक जो प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज रिक्वायरमेंट होता है, फ्लोर का एक स्लोप होता है, या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो टैम्पर प्रूफ आते हैं कि पेट्स उसको टैम्पर नहीं करें, बट अगर आपको कभी वहाँ पे वैक्यूमिंग करना है या कुछ करना है, या फायर सेफ्टी सर्वेलेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर पेट्स को लगती है. फिश कीपिंग में फिल्ट्रेशन है, बर्ड कीपिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड सबका जो ये मतलब ऑल द पेट शॉप ओनर्स शुड बी वेरी वेल कनेक्टेड टू द वेट्स, वेट्स की कम्युनिटी एंड पेट शॉप ओनर्स की कम्युनिटी. मतलब दे शुड बी इन अलायंस ऑलवेज. कि बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ इशू हो रहा है लेकिन यू नो कोई इग्नोर कर रहा है क्योंकि उस पर खर्चा हो जाएगा. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें. बेजुबान जानवर वो बेचारा यू नो ही कैन डू एनीथिंग, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर हम लोग कर देंगे इट विल कम बैक टू अस इन वन फॉर्म और द अदर. तो बस वही है. बाकी आई थिंक माई ब्रदर्स आर डूइंग ग्रेट एंड इट डजेंट मैटर कि छोटी हो दुकान या बड़ी हो दुकान. आई विश एवरी वन टू बी कंपैशनेट एंड यू नो हैव लव फॉर द एनिमल्स. एंड फ्यूचर में होपफुली जैसे जोगो पेट से इससे 10 गुना बेटर बड़ी शॉप्स खुलेंगी, बहुत सारे मेरे ब्रदर्स खोलेंगे, 100 टाइम्स बेटर शॉप्स खोलेंगे, आई विल बी हैप्पी. बट इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट साइज. मतलब साइज और डेकोरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ उनका केयर, कंपैशन, लव, फैसिलिटी एंड फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स. तो ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि थोड़ा और अगर स्कोप है बेटर करने का. और दूसरी चीज़ है कि अगर हम लोग की शॉप में जगह थोड़ी कम है यू नो, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ लॉट ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स ना मंगाएं. अभी पता है हम सबको कि थोड़ा हम लोग बल्क में लेते हैं तो बेटर रेट्स मिलता है, बट यू नो थोड़े को अगर घर पे रख सकें, एक दो को ही यहाँ पे डिस्प्ले पे रखें सो दैट यू नो वो कंफर्टेबली रह सकें. बहुत सारे क्रैम्ड अप एक केज में रहते हैं तो वो भी खुश नहीं होंगे, आप भी खुश नहीं होंगे एंड डेफिनेटली जो कस्टमर्स हैं, जो हॉबीज़ हैं, वो भी खुश नहीं होंगे. दे वुड वॉन्ट कि सब लोग साथ में रहें, अच्छे से रहें.
सो थोड़ा सा वो उस पर उनकी वेलबींग पे ही ध्यान दें. आई एम श्योर वो ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं, तो मैं बस और यू नो सोच रहा हूँ कि जो भी स्कोप है हम लोग कोशिश करते रहे. एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल टू गेट बेटर. थोड़ी थोड़ी हम लोग सब कोशिश करते रहे. एंड दैट्स द ओनली मैसेज आई वॉन्ट टू गिव टू ऑल माई यू नो माई ब्रदर्स इन द सेम कम्युनिटी जो शॉपकीपर्स है, पेट शॉपकीपर्स है. गुड गोइंग एंड आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी रेप्यूटेबल थिंग टू डू. आप लोग बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ कर रहे हैं, तो इसका डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए. एंड ऑल द लव फ्रॉम द एनिमल इज गोइंग टू कम बैक इन वन फॉर्म और द अदर. जी तो सर, शॉप ओनर्स के लिए आपने प्यारा मैसेज दे दिया, क्या हमारी ब्रीडर्स को भी आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? यस डेफिनेटली. अगेन सबको मैं पहले तो हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा. उसके बाद कहना चाहूँगा कि देखिए ड्रोगो पेट्स पे भी हमें हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है टू यू नो प्रोवाइड गुड पेट्स टू गुड फैमिलीज. तो मेरी वही कोशिश रहेगी हमेशा कि हम सब कनेक्ट करके एक कम्युनिटी बनाएँ. तो वी आर ऑलवेज इन नीड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स. जो प्रॉपर ऑथराइज ब्रीडर्स हैं उनसे वही रिक्वेस्ट है कि हमसे कनेक्टेड रहिए. यू कैन यू नो कॉन्टैक्ट अस. हमें किटन्स, पपीज, यू नो बर्ड्स, हैंड टेम्ड कॉकटूज, कॉकटियल्स, बजीज, ये सब एंड फिश ऑब्वियसली. तो काफ़ी चीज़ें हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट रहती है. एंड देर आर जेन्युइन फैमिलीज हियर, लविंग केयरिंग फैमिलीज. उनको हम बेस्ट से बेस्ट यू नो हेल्थ में एनिमल्स प्रोवाइड कर सकें. वी आर ऑल्सो हेल्पिंग इन अडॉप्शन एंड रीहोमिंग. तो ये मैं चाहूँगा कि नॉट जस्ट फॉर अस, बाकी जो आपने पहले शॉपकीपर्स की भी बात की थी, तो अगर हम सब वो भी कोशिश करें तो वो भी एक बेटर वे है टू मूव फॉरवर्ड. कि बाइंग का ऑप्शन सब दें, बट साथ में अगर किसी को अडॉप्ट करना है उसमें अगर थोड़ा असिस्ट कर सकें तो वो भी एक इट्स अ ग्रेट वे फॉरवर्ड. तो आई थिंक वो भी एक करना चाहिए. बाकी ब्रीडर्स, आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कनेक्ट विथ मी. हम लोग डेफिनेटली देयर इज स्कोप फॉर वर्किंग टुगेदर. एंड जो ब्रीडर्स डॉग्स में ब्रीड कर रहे हैं बट दे डोंट हैव एनिमल वेलफेयर बोर्ड परमिट्स, लाइसेंस नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अप्लाई कीजिए. वो नॉर्म्स थोड़े फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही अप्लाई करके आपको उसकी भी सर्टिफिकेशन मिलती है. हम जैसे बहुत सारे स्टोर्स यू नो वी हम लोग को मैंडेट होता है कि उनसे ही लें जो AWBI रजिस्टर्ड है. तो एक तरह से इट विल ओपन अ डोरवे फॉर अ लॉट मोर पीपल. तो आप प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए AWBI से. फॉलो SPCA प्रोटोकॉल. अच्छे से एनिमल्स एथिकली सब रखें, सब यू नो जो भी ब्रीडर्स हैं अच्छे से करें, इस टच में रहिए. एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बने, ब्रीडर्स, शॉपकीपर्स, हॉबीस्ट, एक यू नो वी आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड. तो जैसे रिक्शा के तीन पहिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे हॉबीस्ट, शॉपकीपर्स एंड ब्रीडर्स ये रिक्शा के तीन पहिए हैं. आई थिंक हमें सब साथ में रहना चाहिए, यूनिफाइड रहना चाहिए एंड कनेक्टेड रहना चाहिए. वी शुड ऑलवेज स्टे इन टच. सो या आई वुड लाइक टू जस्ट से दैट टू देम. So Shayan sir, that was a beautiful message shared by you to all our lovely hobbyists and shop owners and also to our breeders. I hope ki sare log ek community banakar bahut jald ek dusre se jude aur is hobby ko aur next level par lekar jaye. Jitni hobby western countries mein developed hai, saakar hai, utni hobby hamare country mein bhi bahut jald ek achhi unchai par pahunche. ये हमारा 9th वीडियो था. नेक्स्ट वीडियो हमारा 10th वीडियो होने वाला है. इतने जल्दी इतने वीडियोस कैसे बन गए पता नहीं चला. एंड आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट वीडियो दैट आई मेड एट ड्रोगो पेट्स, या जो फर्स्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड ऑन आर प्लेटफॉर्म. इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला था, इतने सारे कॉमेंट्स थे, ढेर सारे कॉमेंट्स ड्रोगो पेट्स की तारीफ़ कर रहे थे, आपकी तारीफ़ कर रहे थे. मुझे लोगों में एक क्यूरियोसिटी दिखी, एक एक्साइटमेंट दिखा, एक हैप्पीनेस दिखा पहली बार किसी स्टोर के लिए. दे वर हैप्पी कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में किसी ने एक ऐसा स्टोर बनाया है. फॉरेन स्टोर से आपके स्टोर को कंपेयर किया था एंड दे वर सो हैप्पी. सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ देखकर जो भी आपने प्रोवाइड की थी, एंड दे वर कीपिंग ऑन कमेंटिंग कि भाई और वीडियोज़ बनाइए, और बताइए, और दिखाइए ड्रोगो पेट्स में. तो इतनी ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी मुझे पहली बार दिखी एंड आई रियली फील ग्रेट एंड ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि मैं आपसे कनेक्ट हुआ एंड इतनी सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे सारे हॉबीज़ तक पहुंचा सका. तो
तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ज़रूर ऐसे और वीडियोस हमारे हॉबीज तक पहुँचाए ताकि ये हॉबी और भी बढ़े. एंड रियली थैंकफुल टू यू कि आप इतनी ज़्यादा अच्छी पहल कर रहे हैं इस हॉबी में ताकि लोग और सीखे और जाने और बेहतर तरीके से पेट्स को रख सके. एंड हमारे जो सारे सब्सक्राइबर्स है, सारे व्यूवर्स है, दे आर सो लविंग कि इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं. इतना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वीडियो बनाना हमारा पूरा दिन निकल जाता है, बट उनके जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तब दिन ही बन जाता है. ऐसा लगता है जो हमने काम किया, जो हमने कॉन्टेंट बनाया वो साकार हो गया. एंड कुछ कुछ लोगों ने तो लिटरली, मैं उनको स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने बड़े बड़े लंबे कॉमेंट्स लिखे अपना कीमती समय निकाल के. रियली ब्लेस्ड, रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. एंड खास करके अगेन सर, आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई इस हॉबी में इतना पहल कर रहा है. हमने अभी तक दो तीन ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए, बस वो वीडियोस इतने इन्फॉर्मेटिव थे मेरे ख्याल से YouTube इंडिया पर आज तक किसी ने भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन स्पेसिफिक पेट्स के बारे में आज तक नहीं दी थी. और उतनी सराहना, उतनी अप्रिशिएशन हमको हमारे सारे व्यूवर्स से भी मिली. तो आई थिंक जो हमने प्रेजेंट किया कॉन्टेंट लोगों तक पहुंचा क्योंकि लोगों ने हमारे कंटेंट को अप्रिशिएट किया, पसंद किया. हमारे सारे पेट्स इसी तरह खुश रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे. पहले हमारे पेट्स हैप्पी रहे, उसके बाद हम हैप्पी रहे. आपने ये बात बहुत सही कही कि यू नो आउट ऑफ इंडिया फॉरेन में बहुत सारे कंट्रीज़ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. ये कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ में है. सो ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ वाइल एंड एवरी वीकेंड यू नो बारबेक्यू मीट्स गेट टुगेदर इंटरेक्शन काफ़ी होता था. तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि कम्युनिटी और टाइट हो सके, एक दूसरे की अच्छाई करें. अगर मेरे पास ज़्यादा काम हो तो मैं किसी के साथ बांट दूँ, उनके भी प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट करूँ एंड सेम चीज़ वापस आए हमारे पास. तो यू नो डेफिनेटली स्कोप है, एक कम्युनिटी रहे, हम लोग साथ में मिलके ग्रो करें. तो वहाँ पे भी ये होता है कि अपना सामान भले ही स्टोर में बिके ना बिके, अपने दोस्त का लोग प्रमोट ज़रूर कर देते हैं. सो वो पॉजिटिविटी इज़ व्हाट वी नीड हियर. इंडिया में तो यू नो ऑब्वियसली हम जान ही जाते हैं दिल वाले लोग के लिए. सो आई एम श्योर कि ये चेंज यहाँ पे बहुत अच्छा आएगा, अच्छे से आएगा. ऑलरेडी लोग साथ में हैं बट इट कैन बी मच बेटर. आई सी अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. तो डेफिनेटली सारे शॉपकीपर्स साथ में आ जाएँ, हॉबीज़, रीडर्स, एवरी वन ऑन वन प्लेटफॉर्म. बट एथिकली हमारी प्रायोरिटी हमेशा एनिमल वेलबींग रहे, प्रॉपर वे में लोग को गाइड करें हम लोग. सो वही हमेशा से रहा है. अभी जोगोपेट्स के बारे में भी लाइक व्हेन आई रीड सम कमेंट्स और अच्छा लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि यू नो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एनिमल्स बहुत हेल्दी हैं, अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं. बट दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू एस जे. सो आई लाइक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू ऑल्सो. सो थैंक्स अ लॉट एस जे फॉर कवरिंग जोगोपेट्स. एंड आपके बिना फ्रेंकली नोबडी वुड हैव नोन अस. सो बिग 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 थैंक्स टू यू एस जे. एंड बाकी सारे भी जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं कि नॉट जस्ट सेल ड्रिवन वीडियोज़ कि ये बेचना है या वो करना है, मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ इन जनरल जो लोग को एक्चुअली हेल्प कर सकें. ठीक है, दे वॉन्ट टू नो आपके पास क्या अवेलेबल है, क्या स्टॉक है, क्या प्राइस है, क्या ये है, वो सब अच्छी चीज़ है. बट उसके साथ इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है. तो हम लोग साथ में अच्छे से ये कम्युनिटी ग्रो कर सकते हैं. थैंक्स अगेन एस जे, सिंसियर थैंक्स फॉर कवरिंग. एंड आई एम श्योर फ्यूचर में भी यू नो इट विल बी ग्रेट बिकॉज बहुत लोग को पता नहीं होगा बट एस जे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, पूछते रहते हैं कि नेक्स्ट किस पे इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनेगा बिकॉज ही इज़ वेरी वेल ड्रिवन कि इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हमें करना चाहिए एंड वी आर ऑन द सेम पेज. तो हम लोग डेफिनेटली बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्पीसीज कवर करने वाले हैं एंड बहुत अच्छा ईयर होने वाला है ये 2022. विश यू गाइज वंस अगैन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू.